दोस्तों, हम लगातार आपके लिए अलग अलग सेगमेंट की कंपनीज का रिव्यू कर रहे हैं। हमारा ज्यादातर फोकस स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज पर रहेगा, क्योंकि वही हमें पोटेंशियल मल्टीबैगर कंपनीज मिल सकती है। तो आज भी एक छोटी सी कंपनी का रिव्यू करेंगे जो स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है सोमी कन्वेयर बेल्ट। शायद आप लोगों में से कुछ ने इस कंपनी का नाम भी न सुना हो। पिछले 3 वर्षों में हमें स्टॉक में 700% का रैली देखने को मिला। इतने रनअप के बावजूद भी अभी कंपनी सिर्फ 220 करोड़ का मार्केट कैप वैल्यूएशन रखती है। सोमी कन्वेयर बेल्ट का बिजनेस एरिया देखें तो ये कंपनी अलग अलग प्रकार के कन्वेयर बेल्ट बनाती है। आसान भाषा में बताएं तो कन्वेयर बेल्ट एक ऐसा प्रकार का बेल्ट होता है जो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, जो मटेरियल्स, गुड्स या इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह धकेलने के लिए काम में आता है। कन्वेयर सिस्टम की बात करें तो बेल्ट के आगे और पीछे रोलर लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं। कन्वेयर बेल्ट के जरिए आप बहुत मिनिमल एफर्ट से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। ये बेल्ट कई प्रकार के होते हैं, रबर, प्लास्टिक या फिर मेटल के बने होते हैं। इन बेल्ट्स का यूज वाइडली सभी इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे केमिकल, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, पावर, फर्टिलाइजर, सीमेंट और भी कई हैवी इंडस्ट्रीज में कन्वेयर बेल्ट का यूज किया जाता है। सोमी कन्वेयर बेल्ट की बात करें तो कंपनी 6 प्रकार के बेल्ट बनाती है जो हम एक एक करके समझेंगे। ये बेल्ट रबर और फैब्रिक्स का बना होता है, जिसका प्राइमरी यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री में कोल या मिनरल्स को प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना हो, या सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल या क्लिंकर जैसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, या फिर स्टील इंडस्ट्री में भी आयरन और जैसे पदार्थ को फर्नेस तक पहुंचाने में इन्हीं बेल्ट का इस्तेमाल होता है। साथ में पावर प्लांट में भी बड़े लेवल पर इन बेल्ट का इस्तेमाल होता है। टाइगर M27 कन्वेयर बेल्ट हाईली एब्रेसिव मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आता है, जैसे कि मलबा, पत्थर के टुकड़े, रेत, ग्राउंड सीमेंट या सोडा अर्थ जैसे पदार्थ। हीट रेजिस्टेंस कन्वेयर बेल्ट एक ऐसा प्रकार का बेल्ट जो हाई टेम्परेचर मटेरियल्स को इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये बेल्ट सिंथेटिक फाइबर और सिलिकॉन से बने होते हैं। ये बेल्ट अप टू 360 डिग्री तक के मटेरियल्स को ट्रांसफर कर सकता है। इस बेल्ट को HR, SHR, UHR और SEHR के नाम से जाने जाते हैं। इनका यूज स्टील, सीमेंट और फाउंड्रीज जैसी इंडस्ट्रीज में होता है। फायर रेजिस्टेंस कन्वेयर बेल्ट जनरली तब काम में आते हैं जब आप कन्वेयर सिस्टम में ट्रांसपोर्ट हो रहे मटेरियल में फायर हैजर्ड की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मतलब आग स्प्रेड हो जाए किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल्स या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के कारण, तो ये बेल्ट वह समय पर फायर इंसिडेंट्स को स्प्रेड होने से रोकने में मदद करेगा। ये बेल्ट स्पेशल टाइप के रबर के बने होते हैं, जिनमें खास एडिटिव्स और केमिकल्स का मिश्रण होता है। हालांकि ये बेल्ट कम्प्लीटली फायर प्रूफ नहीं होते, फिर भी डैमेज को मिनिमाइज करने में मदद रूप होते हैं। ऑयल रेजिस्टेंस कन्वेयर बेल्ट सिंथेटिक ऑयल रेजिस्टेंस रबर के बने होते हैं। ये बेल्ट माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज होता है। बल्कि ऑयल मटेरियल्स, ग्रीस और कई ऑयली सब्सटेंस को बहुत आसानी से कन्वे कर सकते हैं। इनके अलावा कंपनी बुलेट प्रूफ एरामिड फैब्रिक भी बनाता है, जो कि बुलेट प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। साथ में पाइप कन्वेयर बेल्ट, जो कि स्ट्रीमलाइन मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, और इन दी एंड देखे तो स्टील कोट बेल्ट भी बनाते हैं, जो कि हेवी लोड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। साल 2000 में कंपनी की शुरुआत हुई। जोधपुर में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। भारत के अलावा विदेश में भी कंपनी अच्छा बिजनेस करती नजर आती है। डोमेस्टिक क्लाइंट में अल्ट्राटेक, सिंदाल सीमेंट, कोल इंडिया, टाटा, JSW जैसी लीडिंग कंपनीज हमें देखने को मिलती है। इंडियन कन्वेयर बेल्ट की मार्केट देखें तो 2023 में $531 मिलियन की थी, जिसे 2032 तक 827 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जहां में 5% का सालाना ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सोमी कन्वेयर बेल्ट पिछले 3 वर्षों से 30% के ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंपनी बहुत छोटी सी है, सिर्फ 220 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। वैल्यूएशन अभी फेयर दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक का करंट PE 46 का, जो कि इंडस्ट्री के PE से कम है। कंपनी का ROCE देखते हैं तो करीब 9% का है, जो कि थोड़ा सा कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.21 का है, जो कि ठीक है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से देखे तो, और प्राइस टू बुक भी देखते हैं तो 3 का है, जो कि फेयर है। अब टेक्निकली देखें तो लॉन्ग टर्म में तो जबरदस्त रैली देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में। स्टॉक ज़्यादातर सर्किट टू सर्किट मूव करा है। थोड़ी वीकनेस चार्ट में अभी फिलहाल दिख रही है। हम इंतज़ार करेंगे 200 क्रॉस करने का।
अगर वॉल्यूम के साथ 200 क्रॉस करता है तो फर्दर रैली हमें देखने को मिल सकती है। कंपनी का सेल्स पिछले 3 वर्षों में तेजी से बढ़ा है, 30% का टॉप लाइन ग्रोथ देखा गया, साथ में बॉटम लाइन में भी सब्सटेंशियली 37% का ग्रोथ दिखा। हालांकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार गिरावट दिख रही है, एक समय 16-17% के मार्जिन से अभी सिर्फ 9% पर पहुंच चुकी है। हालांकि लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट में मार्जिन इम्प्रूव होते हुए दिखे है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में 72% के CAGR से ये स्टॉक में पैसे बनाए हैं। कंपनी का बोरोइंग्स भी कम हो रहा है, जो कि पॉजिटिव साइड है। डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो ओरिएंटल रबर इंडस्ट्रीज, फैनर कन्वेयर बेल्ट और कॉन्टिनेंटल बेल्ट जैसी कंपनीज हमें इनके पीयर्स में दिखाई देती है। हालांकि इनसे अच्छे सेल्स नंबर और मार्केट कवर सोमी कन्वेयर के दिखते हैं। कंपनी के पास आने वाले समय में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। दोस्तों, हमारा व्यू है कि कंपनी अभी भी बहुत छोटी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है, लेकिन छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हमेशा रहता है, क्योंकि छोटी सी दिक्कत भी कंपनी को ख़त्म कर सकती है। फिर भी यही कंपनीज होती है जो मल्टी बैगर्स बनने का पोटेंशियल रखती है। तो आपके पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज का होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चैनल पर नए हैं और कुछ जानकारी मिली हो तो फीस के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फर्ज निभा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और कंपनी के रिव्यू के साथ। थैंक यू वेरी मच।